सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एश मूवी टॉकीज। काफी वक्त हो गया था, कोई नई वीडियो नहीं डाल पाया, पर कोई बात नहीं यार, अब वापस आ गया हूँ। तो यार, पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच जो कुछ हुआ है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले पुष्पा ने साइलेंटली बट वायलेंटली बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया, फिर RRR ने तो आग ही लगा दी। इनफैक्ट एवेंजर्स के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स नाउ वांट टू प्रोड्यूस अ राजामौली फिल्म। सच इज हिज क्रेज। और ताबूत की आखिरी कील बनकर आई KGF चैप्टर 2, विच बिकेम अ मॉन्स्टर सक्सेस। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बॉलीवुड इज डेड एंड गॉन फॉर गुड। इनफैक्ट लॉट ऑफ सदर्न एक्टर्स एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दे नेवर फेल्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज अंटिल नाउ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ओनली मेंट बॉलीवुड। बट पासा पलट गया है दोस्तों। द हिपोक्रिट एंड सो फुल ऑफ देमसेल्व्स बॉलीवुड बिगीज हैव फाइनली रियलाइज्ड दैट द एरा ऑफ पैन इंडिया हैज बिगन। नो लॉन्गर पीपल विल बाई देयर बुलशिट एंड पीपल वॉन्ट टू गेट एंटरटेन्ड। बॉलीवुड की एक के बाद एक बड़ी मूवी आती गई और बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ती गई। देर वॉज ओनली वन जेम विच वॉज द कश्मीर फाइल्स, विच रेक्ड इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। बट उसको तो बॉलीवुड अपनी मूवी ही नहीं मानता, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट देयर नैरेटिव। एनीवेज, बॉलीवुड की तरफ से मेक इट और ब्रेक इट मोड में आमिर खान की 11 अगस्त को आ रही है लाल सिंह चड्ढा। पर मूवी रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और आमिर खान को डर लगने लगा है। नहीं, इस बार उन्हें देश में डर नहीं लग रहा है, बल्कि मूवी बॉयकॉट ना कर दी जाए इस बात का डर है। एक्चुअली उनकी PK जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, और उनके कुछ स्टेटमेंट्स से लोग नाखुश हैं एंड दे आर ट्रेंडिंग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। वहीं दूसरी तरफ करीना ने खुद कहा था कि हमारी मूवी नहीं देखनी है तो मत आओ, बुलाता कौन है आपको। ले देके बात यह है कि लाल सिंह चड्ढा की टीम फायर फाइटिंग मोड में है। देखिए, मेरा तो सीधा मानना है कि जिसको मूवी देखनी है वो जाकर देखो, और जिसको बॉयकॉट करना है वो जाके बॉयकॉट करो। क्योंकि फ्रैंकली ये जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, ये अपना बिहेवियर और बातें मूवी के हिसाब से बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आलिया भट्ट फीचर्स इन एडवर्टाइजमेंट फीचरिंग हाउ रिग्रेसिव एंड मिसोजिनिस्टिक हिंदू कल्चर इज। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान। अक्षय कुमार बोलते हैं कि शिवलिंग पर दूध क्यों वेस्ट करना, आमिर खान को देश में डर लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जब इनकी मूवीज आती हैं तो आलिया सर पर घूंघट रखकर मंदिरों में जाएंगी, अक्षय कुमार राम मंदिर के लिए डोनेट करने की बातें करेंगे, और आमिर खान हैज सडनली फाउंड हाउ ब्यूटिफुल एंड सेफ दिस कंट्री इज। पॉइंट इज, लोग ही बेवकूफ हैं, फर्क समझिए। ये लोग एक्ट्रेस एंड एक्टर्स हैं, हीरो और हीरोइन तो हमारे बॉर्डर पर हैं, इसलिए एक्टर एक्ट्रेस की किसी भी स्टेटमेंट्स को या एक्शन को बिल्कुल सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस टाइम जिस तरह की मूवी कर रहे होंगे वैसी बात करेंगे। सम ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस लैक इवन बेसिक एजुकेशन, सो अपना एजुकेशन काम में लाओ और इनको पहचानो। एटलीस्ट सदर्न एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैव ऑलवेज स्टूड बाय देयर कल्चर, एंड इसलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट भी करती है। अब रही बात लाल सिंह चड्ढा की, तो आई एम नॉट रियली एक्साइटेड फॉर द मूवी, क्योंकि अब थक चुका हूं रीमेक्स देख देख के। ऑडियंस वांट्स ओरिजिनल एंड न्यू। होपफुली बॉलीवुड विल अंडरस्टैंड इट और अपने इस ईगो ट्रिप ऑफ सुपीरियरिटी से बाहर आएगी।
बाकी टाइम है और हल्की फुल्की मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे अपने जीतू भैया की जादूगर देख लो। इट्स अ गुड प्लेजेंट वन टाइम वॉचिंग एक्सपीरियंस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।